हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है ऋतिक, आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो मैं आज आप लोग के इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस टाइप से आप लोग यहाँ पे अपने ओप्पो A30 C1 का यहाँ पे बैटरी बैकअप आप लोग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, फ़ोन यूज़ करते टाइम जैसे आप लोग रात में फ़ोन को चार्ज करेंगे तो आप लोग यहाँ पे मॉर्निंग होते तक आप लोग का फ़ोन यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लो हो जाता है। ऑटोमेटिकली आप लोग का फ़ोन यहाँ पे लो हो जाता है बिना यूज़ किए भी। इसका रीज़न भी आप लोग को बताऊँगा, इसका प्रॉब्लम का मैं आप लोग को इस वीडियो में सॉल्यूशन भी बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर दे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड की बटन दबा के हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड बगल में बैल आइकन दबाना बोले, यार वीडियो पसंद है तो लाइक करना बोले और शेयर करना भी ना बोले। तो चलिए बात करते टॉपिक की। तो सबसे पहले मैं आप लोग के इसका रीज़न बता दूँ कि उसकी बैटरी लो होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा हो कि हमारे फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशन जो रहती है वो रन करना स्टार्ट कर देती है। मतलब आप लोग के फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करते हैं और डिफ़ॉल्ट वाली भी एप्लीकेशन आप लोग के फ़ोन में रहती है तो आप लोग के एप्लीकेशन यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन होते रहते हैं। इसकी वजह से आप लोग का फ़ोन के यहाँ पे बैटरी जो है जल्दी यहाँ पे लो हो जाती है ऑटोमेटिकली बिना यूज़ करे। तो इसका मैं आप लोग को सॉल्यूशन बता दूँ। आप लोग को उसके लिए जो है एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है DU बैटरी सर्वर। किस टाइप से डाउनलोड करें मैं आप लोग को लास्ट टाइम बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोग को इसके फीचर्स के बारे में बता दूं कि आप लोगों के यहाँ पे सेटिंग यहाँ पे क्या क्या फॉलो यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन से ओपन कर लेता हूँ जो कि ऑफलाइन एप्लीकेशन है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे ओपन करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा। फर्स्ट टाइम आप लोग यहाँ पे करेंगे तो स्टार्ट के बटन पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा बैटरी परसेंट है यहाँ पे 6%। मतलब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा बैटरी एकदम लो हुआ है। और अभी मैं बता दूँ कि यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे अभी मेरे फ़ोन में जो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, मतलब यहाँ पे 13 जो एप्लीकेशन है मेरे फ़ोन में रन कर रही है और जो कि मेरा पावर जो बैटरी के जो पावर रहता है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है कम कर रही है। मतलब मैं फिक्स नाउ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा और मेरा फ़ोन के यहाँ पे जो टाइम लेफ्ट जो होगा मतलब 2 घंटा 39 मिनट यहाँ पे बैटरी चलने वाली है वो बढ़ के बहुत ज़्यादा यहाँ पे हद तक होने वाली है। मतलब मेरी 6% की बैटरी यहाँ पे 4 मिनट इंक्रीज़ होगी। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा और मेरा फ़ोन यहाँ पे चलने वाला है। और भी आप लोग के यहाँ पे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे मैं आप लोग को इसके मेन फीचर्स के बारे में बता दूँ। तो यहाँ पे मैं इसको बैक करता हूँ तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, जैसे आप लोग एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पे अभी आप लोग देते कि मेरा 6% बैटरी चलेगा यहाँ पे 2 घंटा 43 मिनट तक, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्टोमाइज़ करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम जो लेफ्ट होता है मतलब हमारी बैटरी जो है ऑप्टोमाइज़ होती रहेगी। इसमें क्या रहता है कि हमारी जो एप्लीकेशन जो रन कर रही है ऑटोमेटिकली रन कर रहे हैं बंद हो जाती है और हमारी बैटरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार हमें देने लगती है। और भी आप लोग को इसके बेसिक फीचर देखने को मिल जाएंगे जो कि आप लोग को पता ही हो गए। और मेन जो प्रॉब्लम रहती है मैं आप लोग को इस वीडियो में बता चुका हूँ और इस एप्लीकेशन का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उम्मीद कर दोस्तों आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए क्योंकि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी डाउट हो कमेंट करना, मस्त वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।